Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो कि हमारे द ट्राइबल चीफ द हेयर ऑफ द टेबल गाइस रोमन रेंज गाइस तब से रेसलमेनिया 40 में उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार गए हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज को, तब से गाइस हमको रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू में दिखे नहीं है। और जैसे कि हमको पता है कि रोमन रेंज के फॉर्मर राइट हैंड मैन मेन इवेंट जे उसो गाइस हमको ये गाइस जो बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट है गाइस जो कि मई के महीने में होने वाला है, वहां पे गाइस जे उसो हमको चैलेंज करते हुए दिखने वाले हैं जजमेंट डे के मेंबर डेमियन प्रीस्ट को फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और पॉसिबली हमको ये मैच में रोमन रेंज की इन्वॉल्वमेंट भी होते हुए दिख सकती है। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखे क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के और रोमन रेंज के बहुत ही बड़े वाले फैन हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि हमको रोमन रेंज के मैच में थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होते हुए देख सकती है, और वो इन्वॉल्वमेंट ऐसे होते हुए देख सकते कि रोमन रेंज के मैच में इंटरफेरेंस करके जे उसो की मदद करते हुए देख सकते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने में। जैसे कि हमको पता है कि डेमियन प्रीस्ट ये मैच में रेसल तो करने वाले हैं जे उसो को, वो तो गाइस नो डाउट है। इनकेस हमको ऐसा लगता है इनकेस हमको डेमियन प्रीस्ट एक फेयर वन ऑन वन मैच रेसल करते हुए दिखने वाले हैं, और ये मैच में मुझे ऐसा लग रहा है हमको बहुत ही इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखने वाली है बहुत ही बड़े बड़े जजमेंट डे के मेंबर्स की, जैसे कि होने वाले हैं डोमिनिक मिस्टेरियो, जेडी मैकडोना और फिन बैलर। और गाइस अगर जो जेउस अकेले गए इस मैच में उतरते तो गाइस डेफिनेटली उनके चांसेस है कि वो ये मैच में हारने वाले हैं। इम्पॉसिबली जेउस के साइड में मदद करने आ सकते हैं हमारे द बिग डॉग रोमन रेंज, और रोमन रेंज गाइस जेउस की मदद करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में मैच में जीतने में। और ऐसा रोमन रेंज क्यों करेगा, क्योंकि रोमन रेंज को फॉर्म करनी है एक नई ब्लड लाइन, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि सोलो सिकोवा ने खुद की नई ब्लड लाइन चालू की है जहां पे टामा टोंगा है और पॉसिबली वो ब्लड लाइन के मेन लीडर है हमारे द रॉक, तो इसलिए पॉसिबली रोमन रेंज को थोड़ी मदद की जरूरत रहेगी, और वो पॉसिबली उनके पुराने डोज जे उसो के पास जाते हुए दिखने वाले हैं, और इसलिए गाइस वो मैच में मदद करेंगे जे उसो की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने में, जिससे कि फिर रोमन रेंज जे उसो का विश्वास वापस जीत लेंगे और फिर हमको एक नई ब्लड लाइन बन रहेगी जहां पे एक ब्लड लाइन में रहेंगे हमारे सोलो सिकोवा, टामा टोंगा और द रॉक, और दूसरे ब्लड लाइन में रहेंगे हमारे रोमन रेंज एंड जिमी एंड जे द उसोस। डेफिनेटली ये एक ऐसी राइवलरी रहेगी जो कि फैंस बहुत ही सालों तक याद रखेंगे। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।